हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और बताइए दोस्तों, आप सभी लोग कैसे? आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अभी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। तो दोस्तों चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरी जो भाभी है वो नींबू सानती हैं और आपके मुंह में आने वाला है पानी। तो चलो वहीं चलती हूँ पहले मैं, फिर उन लोगों से भी आपको मिलाती हूँ। यहाँ देखो ताई जी भी बैठी हैं और भाभी भी बैठी हैं और नींबू सानने आ जा रहा आ जाने वाला सबके मुँह में पानी। तो दोस्तों आ रहा है ना मुँह में पानी देख के, क्योंकि मेरे तो आ रहा है। अभी तो इसमें बहुत सारा सामान पड़ेगा। तो आज भाभी से बनाने वाली है पहाड़ी स्टाइल में। बिल्कुल, क्या बोलते हैं वैसे इसको? नींबू सानी। हाँ, क्योंकि इसे सान के बनाया जाता है। इसमें सब कुछ मिलेगा, भी नमक मिलेगा, गुड़ मिलेगा, दही मिलेगा। इसके बाद जाके सब कुछ मिला के फिर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये जो है जैसे शहरों में बनाया जाता है चाट, फ्रूट चाट, उस तरीके का चाट है। इसमें सब कुछ मिलाया जाएगा, है ना? हाँ, झाड़ू के उसमें अच्छा होता है, गर्म होता है ना शरीर। हाँ हाँ, तो झाड़ू में ज्यादा खाते हैं। अच्छा, खाओगे अभी खाएगा। हाँ, और ये देखो मेरी ताई जी बैठी है यहाँ पे। और ताई जी कैसे हो? ठीक हो? मस्त हो? और बताओ आज कैसे फुर्सत मिल गई आने की? नींबू खाने की है। मुंह में पानी आ रहा अभी से है, बोला भी नहीं जा रहा है ढंग से। तो चलो भाभी के साथ बने रहते हैं और भाभी किस तरीके से बनाती हैं और देखते भी है, सीखते भी है। बना के देखना। हाँ, ट्राई जरूर करना आप लोगों से, आके फिर बताना कि हाँ क्या कैसा लगा। हाँ, ये अंदर कौन गया? तो चलो हम भी देखते हैं और एंजॉय करते हैं। ये बहुत बढ़िया। तो ये वीडियो तो मेरी मम्मी भी देख ही रही होंगी, मुझे 101% पता है। तो काशीपुर में ऐसा हुआ कि मम्मी मैं गए सब्जी लेने, तो हम खरीद के लाए थे एक नींबू। हमने सोचा था कि घर में इसे बनाएंगे, सानेंगे, और वो नींबू डाल दिया मैंने मिक्सी जार के अंदर कि इसको बनाएंगे करके, पर हम उसे बना ही नहीं पाए। और मैं यहाँ आ गई तो मम्मी कही हम तू जा रही है ठीक है, हम तो नींबू खाएंगे आराम से। तो मम्मी देख ले यहाँ भाभी नींबू बना दिया हमारे लिए, हम भी नींबू खाएंगे। और वो भी मैंने सोचा था वो नींबू सानूंगी काशीपुर में तो उसकी वीडियो बनाऊंगी, पर बहुत अच्छा हुआ कि नहीं बनाई, क्योंकि अब मैं यहाँ बनाऊंगी पहाड़ में, पहाड़ी वादियों में उसे खाएंगे चटकारे लेके, तो और ज्यादा मजा आएगा खाने में। पहाड़ी में क्या लहसुन के पत्ते का नमक अभी फिर देखो क्या स्वाद आता है। स्वाद घर का हुआ। और लहसुन के पत्ते, घर के लहसुन के पत्ते, घर का सारा मसाला जो इसमें डलेगा, तो फिर देखो क्या चटकारे लेके खाएंगे। भांग का नमक, भांग का नमक, सोचो फिर तो इसमें चार चांद लगने वाले हैं। तो चलो फिर देखते रहते हैं और वेट करते हैं कब तक बनता है। तो ताई आप क्या कर रहे हो? आप भांग पीस रहे हो? अच्छा, मतलब भांग पीस रहे हैं। तो ये अच्छा, वो करोगे, भूनोगे पहले? तो दोस्तों ये रहा भांग और इसका भी भूनेंगे, फिर इसको पीसा जाएगा, इसका नमक बनाया जाएगा भांग का। आप क्यों बना रहे भाभी? अच्छा, वो गुड़ भी सब इसमें ही, मिर्ची, गुड़, नमक अच्छा बन जाता है मसाले वाला। अच्छा अच्छा, ऐसे सूखा सूखा टाइप का हो जाता है। ये भांग और जीरा है, दोनों को भून लिया है, अब इसमें डाल के इसे पीस देंगे। तो भाभी का मसाला रेडी हो गया और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसमें, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब भाभी सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये वाला असली वाला माल डाल है। ठेला लगा ले भाभी इसका। हाँ, इसका ठेला लगा ले, शहरों में इसका ठेला लगा दे, बहुत अच्छी बिक्री हो जाएगी, है ना?
नींबू मिल जाते हैं यहाँ पे 5-5, 10-10 रुपए घर का मसाला तैयार किया अपना। एक मसाला बना के रख दिया और जैसे किसी ने ऑर्डर करा उसी समय साना और करा, बस हो गया नींबू सानी हो गया वो। वाह क्या सुंदर लग रहा। लहसुन वाला नमक भी डाल रहे हैं, कितना शोर हो रहा है ना, ज्यादा मत दो। ये हमारा नींबू बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, अभी आ गया मजा आ गया। खाओ ताई, खाओ ताई, खाओ खाओ तो खाओ तो पहले। ये कैसा लग रहा है? मीठा स्वादिष्ट बोलो ना। अच्छा और मैं अब आ गई हूँ यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठने के लिए और मेरे हाथ में है नींबू। ऐसे चटकारे लेके खाने में इतना मजा आता है ना, और सीरियसली भाभी ने बहुत ज़्यादा यम्मी, बहुत टेस्टी, मैं क्या बताऊँगी, मतलब भाभी ने कितना अच्छा बनाया। और तो दोस्तों अगर आप लोगों ने ये नहीं खाया है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आप चटपटा खाना पसंद करते हैं, खट्टा चटपटा मीठा, मतलब सारे फ्लेवर इसमें आए हैं, खट्टा भी है, नमकीन मीठा, हर चीज़ इसमें, और आपको खाने में मजा आ जाएगा। आ जा, कैसा लगा तुझे खाने में? बढ़िया खाया तूने? हाँ कैसा लग रहा था? सही, मस्त बना था, बहुत मस्त बनाया था। और मेरा तो रखा है भी और मैं खा रही हूँ इसे, और सबने फटाफट चट कर दिया, मैं तो वीडियो के साथ साथ खा रही हूँ ना। आ जा तू भी, आ जा तू भी, अपना थोड़ा सा बता दे, राय दे दे। अच्छा बेटा आ रहा है, उससे ही पूछती हूँ कैसा लगा खाने में। अच्छा था, बहुत टेस्टी बनाया था ना। हाँ तो यकीन मानिए दोस्तों बहुत टेस्टी था, बहुत 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 सुपर से भी ऊपर वाला टेस्टी था। तो अगर आप लोग भी इसे ट्राई करेंगे तो मुझे पक्का यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलो मैं इसे खाती हूँ, फिनिश करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो हमने नींबू तो खा लिया है, चटकारे ले लेंगे तो, और अब हम जा रहे हैं शाम को घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम? सेम धाम के मंदिर जा रहे हैं। कौन सा मंदिर है वो? सेम भगवान जी का मंदिर है ना, जो मतलब जो हमारे देवता होते हैं, घर के देवता बोलते हैं ना उन्हें, घर के देवता ही होते हैं। तो जो हमारे यहाँ के घर के देवता होते हैं सेम थाम, उनके मंदिर जा रहे हैं, और साथ ही साथ वहाँ से भूलगांव का जो व्यू है, पूरा भूलगांव दिखाई देता है। तो हाँ हाँ तो पूरा भूलगांव दिख जाएगा जैसा कि बच्चे कह रहे हैं। तो चलो बच्चों के साथ चलते हैं और पूरा भूलगांव में आपको पूरा भूलगांव दिखाऊंगी आज। चलो ये देखो कैसे छुप रही है भाई, मैं इन लोगों के कैमरे के आगे जितना लाना चाह रही हूँ ना, ये लोग छुप जा रहे हैं। तो जो मेरे बड़ी भाभी के बच्चे हैं आगे चल रही है, एक कब्बू नाम है उसका और इसका नाम है शालू, और ये लोग कैमरे से बड़ा शर्मा रहे हैं। और ये साथ में तो आपको पता ही है कौन जा रहा है, इसका नाम जय है, ये छोटी भाभी का बेटा है। और ये रहा आगे बड़ी भाभी का लड़का। हाँ और ये मेरी बड़ी भाभी का लड़का है, नाम बताओ? आयुष। आयुष इसका नाम है, आयुष। और हम सबकी सब पूरी हमारी बच्चों वाली टोली जा रही है मंदिर में। तो यहाँ से ना खेती की जो ज़मीन है वो काफ़ी खूबसूरत लग रही है, और मुझे जैसा कि आपको पता ही है कि मुझे ये सब चीज़ें कितनी पसंद है, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। चलो तो अभी हम आ गए हैं रोड पे, मेन रोड जो है ये गिरिछना को जाती है। पूरा भूल रहा हूँ, इधर पत्थर दिख रहे हैं वो ऊपर सबसे ऊपर। और ये बाप रे, इतने ऊपर जाएंगे क्या हम? आ जा अभी, दो मिनट में कुछ नहीं होता है।
हाँ बता। ठंडे दिनों में इसका पानी गर्म आता है और गर्म दिनों में ठंडा है। हाँ। तो बहुत अच्छा पानी है फिर तो। ये तो शाम हो गई है और धीरे धीरे ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है और धूप क्योंकि अब कम होती जा रही है ना इसलिए। पर जहाँ पे मैं आई हूँ ना यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो ये इतना चटर पटर कर रही है, जैसे मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ वैसे चुप हो जा रही है। कह रही यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चलती है शाम के टाइम पे और लग ही रहा है वो हवा चल रही है बहुत। वो जा रहे हैं बच्चे, वो रहा गेट और ऊपर है मंदिर। ये कौन सा मंदिर है बच्चों? अच्छा चलो संभाल मंदिर बाप रे। लगा कि हम मंदिर आ गए पर ये लोग बोल रहे हैं कि और ऊपर जाना है। अब पता नहीं जंगल में कहाँ लेके जा रहे हैं। तो अभी जहाँ पर मैं हूँ वहाँ चारों तरफ चील के पेड़ हैं। आप देखो चारों तरफ चील के पेड़ ही पेड़ हैं। और अभी हमें और आगे जाना है। ये बच्चे तो मुझे थका देंगे आज। मैंने इनसे कहा मुझे भूलगांव घूमना है, थोड़ा मुझे भूलगांव के अच्छे अच्छे व्यूज दिखा दो। तो इन महान ने मुझे यहाँ ले आए मंदिर। कह रहे वहाँ चलो बहुत अच्छा है और पास ही है, पर तो बहुत दूर है भाई सीरियसली। तो फाइनली हम मंदिर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों ये शिवजी जी की मूर्ति है पहली वाली, है ना? पहले ये थी सबसे पहले। अच्छा ये देखो दोनों के दोनों। तो यहाँ ये मंदिर है, बहुत कीमती होता है। उत्तराखंड हो और उत्तराखंड के मंदिरों में घंटियों की बौछार ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो घंटियों की घंटियाँ मौन है आपको देखने को मिलेंगी। पीहू थक गई है और मंदिर के दर्शन भी कर लिए तो अब हम चल रहे हैं जरा। तो अभी हम काफी हाइट में आ गए हैं और यहाँ से जो भूलगांव है वो पूरा दिखाई देता है। तो चलो दोस्तों मैं आपको भूलगांव दिखाती हूँ। हाँ पूरे पानी में खड़काल। अच्छा जो सामने की पहाड़ी है ना वो आपका खड़काल गांव है। तो जो आप सामने की पहाड़ी देख रहे हैं वो खड़काल गांव है, बाकी के सारा जितना भी आता सारा भूल गांव में है। और ये रही हमारी भूल गांव की समतल खेती, है ना? ऊपर अच्छा कितनी प्यारी लग रही है खेती। और वो देखिए आप बेहतरीन नजारा और पूरी कितनी प्यारी। हाँ अच्छा एक मंदिर उधर है। अभी आपको अपने गांव का धुर मंदिर भी दिखाएंगे। अच्छा ऊपर चलेगा? चलो 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 चलो। तो शाम हो चुकी है और हम जा रहे हैं घर की तरफ क्योंकि फिर थोड़ी देर में बहुत ज्यादा ठंड होने लग जाएगी। तो कपड़े के ना दो तीन लेयर पहनने पड़ते हैं। तो ये तो आपने देखा ही होगा, इसे क्या बोलते हैं धारा, इसे बोला जाता है धारा। और जैसे कभी शादी वादी होती है तो दुल्हन को यहीं लाते हैं पूजा पाठ के लिए। और बाकी यहाँ से पानी रेगुलर निकलता ही रहता है, ये एक तरीके से प्राकृतिक स्रोत है पानी का।
अच्छा है। तो अब हम घर पहुंचने वाले हैं, तो वो रहा हमारा घर। कितना खूबसूरत व्यू है। जो हमारा जो मेरे मामा लोगों का घर है उसके चारों तरफ मतलब काफी अच्छी आबादी है, गांव ही गांव है। तो मैं पहुंच गई हूँ अब घर, और यहाँ से अभी जैसे सूरज डूब रहा है तो काफी अच्छा व्यू नजर आ रहा है यहाँ का, बहुत प्यारा लग रहा है। और भाभी भी आ गई है। भाभी कैसा रहा आपका आज का दिन? हाँ, बहुत ही अच्छा रहा। बिजी रहा पूरा दिन है? हाँ। और कितने बजे तक आ गए थे आप? मैं 5:30 बजे। फिर उसके बाद फिर चले गए थे आप? फिर चले गई मैं घास के लिए। हाँ, बस भाभी का तो काम लगा रहा था। अब भाभी देखो पीछे कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सूरज डूबने वाला है ना तो और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, चार चांद लग रहे हैं मौसम में। और ये भाभी का घर, इस घर को मैं दूर से देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जम्मू कश्मीर का घर होगा, क्योंकि इसका जो लुक है ना इन्होंने ऐसे दे रखा। तो वहाँ पापा भी पीयू के साथ हैं, तो चलो चलते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए इस सुहानी शाम के साथ आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये गांव सुंदर सा प्यारा सा कैसा लगा। और तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।